यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे लास्ट डेड ऑल सर्वाइवल। तो भाई अभी देखो मुझे इस साइड पे एक बेस मिला है जो कि ऑलरेडी रेडेड है, लेकिन हमें तो इसका कैबिनेट तोड़ के भी पूरे बेस को तोड़ना है। तो चलो इसका कैबिनेट ढूंढते हैं। लेकिन यार भाई इसका कैबिनेट है तो है कहाँ पे भाई? शायद मेरे ख्याल से इस साइड पे होगा, इस वॉल के पीछे। तो हमें अभी इस वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो वुड का वॉल है तो हम इजीली मैचेट वगैरह से तोड़ देंगे, लेकिन अपने पास तो मैचेट है ही नहीं। लेकिन मेरे पास किचन नाइफ है तो किचन नाइफ से हम इजीली इसको तोड़ सकते हैं। अभी देखो इस वॉल का हेल्थ हमने काफी ज्यादा कम कर दिया और यहाँ पे अपना आरडीएक्स भाई भी आ चुका है। लेकिन यार अभी तो हमें यहाँ पे कैबिनेट नहीं मिला, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक दो रूम और बचा है जो कि इस साइड पे एक रूम है और इस साइड पे भी गाइस रूम बना हुआ है थोड़ा सा ट्रायंगल वाली। तो अभी हमें इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो चलो तोड़ते हैं भाई इसको भी। मेरे ख्याल से इस वॉल के पीछे ही कैबिनेट छुपा होगा। तो वॉल की हेल्थ तो काफी ज्यादा हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, ये अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा। यार मैचेट टूटता तो अब तक टूट जाता, वैसे मेरे किचन नाइफ का हेल्थ भी खत्म होने वाला है बस। और अभी ये वाला वॉल तो भाई टूट चुका है, लेकिन अजीब सी बात है कि यहाँ पे भी हमें कैबिनेट नहीं मिला। कोई बात नहीं, इसको भी तोड़ते हैं भाई। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तोड़ते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो पिछले वाला बेस हमने देखा था भाई, इसमें तो कैबिनेट ही नहीं था कुछ। क्या पता नहीं क्या सीन था, क्या पता भाई इसके साथ भी ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसे भी तोड़ के। सो गाइस अभी फाइनली ये वॉल भी टूटने वाला है, चलो इसे तोड़ के देख लेते हैं भाई। भाई इसके अंदर भी कैबिनेट नहीं है गाइस। मेरे ख्याल से ये वाला बेस भी भाई भूतिया बेस ही है क्योंकि इसमें भी कैबिनेट नहीं है। लेकिन अभी भी दो रूम और बचा है, इन्हें भी तोड़ के देख ही लेते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या पता मिल जाए। तो मेरा किचन नाइफ का हेल्थ तो भाई खत्म हो चुका है, अभी मुझे एक वुडन क्लब भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और गाइस पिछले वाले बेस में हमने जब देखा कि कैबिनेट नहीं है जो कि बायो के पास था, कुछ कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई बंकर बेस है। लेकिन यार भाई वाली बेस तो बस दो ही बेजल का था, वो भी एक स्क्वायर वाली बेजल और एक ट्रायंगल वाली बेजल, और बंकर बेस तो दो बेजल में नहीं बन सकता मेरे ख्याल से। और तो और अगर आप बंकर बेस में कैबिनेट लगाता भी हो तो भी कैबिनेट का आधा हिस्सा ऊपर वाली बेस में भी रहता है। चलो मान लिया वो वाली हिस्सा ग्लिच करके किसी तरह, शायद कोई ट्रिक होगा ग्लिच करने का जिसके कारण नहीं दिख रहा है आधा हिस्सा। लेकिन यार दो बेजल का तो बंकर बेस नहीं बन सकता। और गाइस मेरे ख्याल से इस बेस का भी बिल्कुल सेम ही सीन है क्योंकि हमने इस साइड का भाई पूरा वॉल तोड़ दिया लेकिन हमें कैबिनेट मिला भी नहीं। तो अभी बस यहाँ पे तीन ही रूम बचता है, तो चलो भाई इनको भी तोड़ के देख लेते हैं। अगर भाई यहाँ पे भी नहीं मिला ना तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। एक बेस अपने साथ ऐसा हुआ कि भाई कैबिनेट ही नहीं मिला, इसमें भी शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही सीन होने वाला है। सो गाइस देखो अभी ये वाला वॉल भी टूट चुका है लेकिन यहाँ पे भी कैबिनेट नहीं है। तो अभी बस बचता है दो ही रूम, तो चलो इन दोनों को भी भाई तोड़ देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता भाई हमें यहाँ पे कैबिनेट मिलेगा भी। अभी देखो मैं यहाँ पे कैबिनेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे बोल रहे भाई अनदर कैबिनेट है यहाँ पे, तो ऊपर चल के भाई मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता भाई ऊपर कोई रूम वूम हो। लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पूरा भाई खुला खुला एरिया है। चलो यार भाई इस वॉल का हेल्थ बस अभी थोड़ा सा ही बचा है, हमने भाई वुडन क्लब से मार मार के इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। तो मैं अभी भाई बम लगा दिया। अभी देखो यहाँ पे भी हमें कैबिनेट नहीं मिला, अभी बस बचता है ये वाला रूम, चलो इसको भी तोड़ लेते हैं। वैसे मैं बिल्कुल इसके बीच में बम लगा देता हूँ वैसे। और यहाँ पे दो भाई लगा क्यों नहीं, यहाँ पे तो मैंने दो लगाया था ना, लेकिन मैंने दो लगाई थी लेकिन लगा ही नहीं। देखो अच्छा मेरे ख्याल से गाइस कुछ डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था इसीलिए लग नहीं रहा था बम, मुझे लगा भाई क्या ही ग्लिच हो गया बम नहीं लग रहा। तो अभी और दो मेरे ख्याल से बम लगेगा इसे तोड़ने के लिए, चलो लगा देते और दो। ये मैंने एक लगा दिया है, दोबारा से मुझे एक और लगाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं और कितना हेल्थ बचा है। हाँ तो अभी एक और बम लगाना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं लगाने वाला, अभी हम इसे हाथ से ही तोड़ने वाले हैं। अभी देखो ये बस टूटने वाला है, देखते हैं भाई इसके अंदर काश की मिल जाए कैबिनेट हमें। तो भाई देखो क्या सीन है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैबिनेट बिल्कुल भी नहीं है बेस में। गाइस मेरे ख्याल से कोई खतरनाक सी ग्लिच आ चुका होगा जो भाई सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। और भाई देखो कैबिनेट नहीं है, वैसे सभी लोग नहीं, हमने बस दो बेस में देखा कि कैबिनेट नहीं है, पता नहीं क्या सीन है भाई। अगर आपको पता है ना तो भाई ज़रूर बताना भाई यहाँ पे क्या सीन हो रहा है अपने साथ। अभी देखो मेरा टीममेट बता रहा है कि भाई बंदे ने कैबिनेट इस बेजल के अंदर ग्लिच करके छुपाए रखे, तो मतलब ऐसा लग रहा था हमें बस। तो भाई हमने इसके भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन हमने उसके बाद छोड़ दिया कि यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे भी यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना तो भाई बेकार ही होगा। तो चलो गाइस यार अभी हमें यहाँ से निकलते हैं और कोई दूसरी बेस ढूंढते हैं। फाइनली अभी मुझे बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक बेस मिल चुका है। सो चलो इस बेस को सबसे पहले देखते हैं भाई किधर से हम रेड कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम बेस की चारों तरफ देख लेते हैं भाई, कहीं पता चला हम आगे से रेड कर रहे हैं और पीछे से भाई ऑलरेडी रेडेड है पूरा खुल्ला खुल्ला।
तो अभी देखो इस साइड मुझे मिल चुका है एक लैडर, तो चलते हैं लैडर से ऊपर चलते हैं। क्या पता भाई ऊपर से किसी बंदे ने पहले ही रेड कर दिया हो, तो ऊपर से तो रेडेड नहीं है। यहाँ पे देखो बंदे ने दो सीलिंग को कर दिया है आयरन का और दो सीलिंग स्टोन का, यानी कि इसका मेन पार्ट है 2x2 का और चारों तरफ शायद से इसने प्रोटेक्शन के लिए वॉल लगाए रखे। अभी मैं इसका बीच में बम लगाने वाला हूँ, आयरन वाली साइड पे हैंडमेट लगा देते क्योंकि मुझे लग रहा है जो इसका कैबिनेट है आयरन वाली साइड पे ही होगा। वैसे हर कोई बंदा ऐसा ही करता है, लेकिन भाई पिछले वाले बेस में तो आपको पता ही है कैसा सीन हो गया था। स्टोन वाली पार्ट पे हमें कैबिनेट मिल गया था और आयरन वाली साइड पे कुछ और। तो चलो यहाँ पे मैंने तीन तो लगा दिया था पहले, अभी और भी लगा दिया। और देखो हैंडमेड की फ्लैश डैमेज की वजह से भाई पूरी बेस ही टूट गया, भाई पूरा टूट गया, बस यही बचा है। अच्छा ही हुआ अपने लिए, अगर कोई दूसरी जगह कैबिनेट होता तो भी हमें दिख जाता। यहाँ पे देखो सीलिंग की हेल्थ अभी भी 60% बचा है, तो मैं यहाँ पे हेलमेट लगा देता हूँ बिल्कुल बीच में, दोनों सीलिंग के बीच में, ताकि दोनों के दोनों सीलिंग ही टूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक सीलिंग टूट जाए और एक सीलिंग रह जाए, फिर हमें दोबारा वर्म वेस्ट करना पड़े। तो इसलिए मैं भाई बिल्कुल बीच में लगा रहा हूँ, ताकि अगर इस साइड पे कैबिनेट हुआ फिर भी हमें मिल जाएगा, इस साइड में हुआ फिर भी मिल जाएगा, बिल्कुल सेम बम वेस्ट होगा। अभी दोबारा मैंने यहाँ पे बम वगैरह लगा रहा हूँ, वैसे कितना लगाया मुझे भी नहीं पता, देखते हुए कितना लगाए, दो फुटा शायद दो लगाया था मैंने। तो हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, मेरे ख्याल से दो तीन हेडमेंट में अभी ये टूट जाना तो चाहिए, वैसे दो लगेगा। तो मैंने एक लगा दिया है अभी यहाँ पे और एक लगेगा। अभी मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और देखो भाई फास्ट फॉरवर्ड करते ही बम की आवाज़ सब बिल्कुल बदल से जाती है, कैसा आता है गन की फायर जैसा। तो अभी यहाँ पे भाई मैंने काफ़ी सारा बम तो लगा दिया, अभी अब तक तो भाई ये फूट जाना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से बम ग्लीच हो गया है, जिसके कारण बम का डैमेज कहीं थोड़ा बहुत कम जा रहा है भाई। चलो कोई नहीं, अभी देखो ये वाला जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वो भी भाई टूट चुका है, और अभी हमें कैबिनेट भी मिल चुका है। तो कैबिनेट देखो भाई वर्किंग ही नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद मेंटेनेंस नहीं है कैबिनेट पे। और कैबिनेट से हमें काफ़ी अच्छा खासा लूट मिल गया, वैसे लूट तो कोई कमी नहीं है अभी अपने पास, वुड वगैरह अच्छा खासा मिल गया यहाँ से। चलो अपने कैबिनेट लगाते हैं और पूरी बेस को अभी तुरंत तोड़ देते हैं। फर्नेस से तो मेरे कुछ भी लूट नहीं मिला भाई फर्नेस से, तो बट क्या बंदा है भाई, कुछ भी नहीं रखता है फर्नेस पे। चलो कोई नहीं, अभी हम पूरे बेस को तोड़ चुके हैं और इसको भी तोड़ देते हैं और लूट। अरे भाई यहाँ पे देखो काफ़ी सारे वुडन स्टोरेज लगा था, लेकिन एक में भी कुछ भी नहीं था। तो अभी पूरा बेस तो हमने गिरा दिया है, चलते हैं कोई दूसरी बेस ले। तो गाइस अभी देखो मुझे मिल चुका है एक छोटू सा बेस जो कि पूरा डैमेज हो रखा है, बस थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है इसका, तो चलो इसमें रेड करते हैं। लेकिन इसका कैबिनेट है तो है कहाँ पे, मेरे ख्याल से इसका कैबिनेट जो है ये इस वाली रूम के अंदर है, तो रूम को तोड़ने के लिए शायद भाई इधर डोर को तोड़ना ही सही रहेगा, उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी बम ला के इसको भी तोड़ सकता हूँ, चलो इसे ही तोड़ते भाई, ऊपर से ही तोड़ते, क्योंकि उसका जो डोर है डोर तो भाई आयरन का है, मेरे ख्याल से आयरन का ही होगा, तो ऊपर से ही तोड़ते यही सही रहेगा। यहाँ पे और कुछ मैं बम लगा देता हूँ और एक दो बम में ये टूट जाएगा, क्योंकि इसका हेल्थ पहले से ही भाई काफ़ी ज़्यादा कम था। अभी तो टूटना चाहिए वाले सीलिंग, देखते हैं, वैसे अभी तक नहीं टूटा, तो जस्ट थोड़ी सी हेल्थ बचा है, एक बम और लगा देते हैं, अभी तो टूटना बनता है। अगर उसके ऊपर मैं एक गोली भी चला देता फिर भी वॉल टूट जाता। तो अभी ये टूट गया, लेकिन यार कैबिनेट नहीं, अंदर ग्लिच हो गया क्या, मेरे ख्याल से ग्लिच हो गया होगा जो कि हमें इसके कारण नहीं दिख रहा है। तो चलो मैं एक कैबिनेट बना लेता हूँ, तो ये ग्लिच मेरे ख्याल से अगर मैं अंदर चला जाऊँगा तो ग्लिच सही हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा कैबिनेट। तो अभी हम अंदर चलते हैं, वैसे बैठ के जाना पड़ेगा। ओ भाई ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर बिल्कुल फंस गया है, मैं निकलने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हिल भी नहीं रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अभी भला मैं ऐसे निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो गाइस अभी देखो मैंने गेम को रिस्टार्ट कर लिया है और मेरे ख्याल से अभी ठीक हो जाना चाहिए तो है। सो चलो गेम पे। ओ भाई ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, मैं गेम पे जब आता हूँ भाई दोबारा बिल्कुल ऐसा सीन हो जाता है। तो अभी एक ही रास्ता है यहाँ से निकलने का, वो है सेल्फी करना पड़ेगा मुझे। अभी मैं सेल्फी करके मर जाता हूँ, तो देखो मैंने मर गया। और भाई यहाँ पे पूरा का पूरा लूट जितना भी था मेरे पास काफ़ी सारे बम वगैरह था और पूरा भाई आर्मर वगैरह था टाइटेनियम का, सब कुछ गिर गया है। अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा उसी जगह पे, क्योंकि वरना मेरा लूट जो है वो डिस्पॉन हो जाएगा। अभी मैंने अपना ये छोटू सा कार उठा लिया है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगा फिर इस कार को भाई वहीं पे फेंक दूंगा, उसके बाद वहाँ पे मेरा आर्मर व्हीकल है उसी को लेके आऊंगा, इसकी और कोई जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि सर्वर वैसे ही खत्म हो जाएगा भाई 2-3 घंटे बाद, और इस सर्वर की बस एक और वीडियो आएगा उसके बाद सर्वर खत्म हो जाएगा। तो ओके गाइस अभी मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका हूँ और अभी भाई मैं अपना लूट उठा रहा हूँ। अभी देखो मैं उस रूम पे आ चुका हूँ, लेकिन इस बार ग्लिच नहीं हुआ है, तो अभी मेरे पास सारा का सारा लूट आ चुका है, कोई भी लूट वगैरह डिस्पॉन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आ गया था।
और मैं सबसे पहले तो अपना आर्मर वगैरह इक्विप कर लेता हूँ, वरना हो सके भाई कोई बंदा आए तो मेरे को एसएमजी से ही मार देगा अगर आर्मर नहीं रहेगा तो। अभी मैं यहाँ पे एक लैडर लगा दिया है, तो लैडर से सबसे पहले ऊपर चलते हैं। और गाइस मुझे कैबिनेट मिल चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है कैबिनेट। लेकिन यार यहाँ पे ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ऊपर रूफ ही लगा हुआ है इसलिए। चलो फिर मैं इस फर्नेस को यूज करके ऊपर चढ़ता हूँ। तो मैं फर्नेस के ऊपर तो आ चुका हूँ, अभी इसके भी ऊपर मैं इजीली आ जाऊंगा। अरे भाई मैं तो नीचे गिर गया, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। वैसे उतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है इसके ऊपर चढ़ना। तो ये मैं फर्नेस के ऊपर आ चुका हूँ और अभी ये मैं ऊपर आ चुका हूँ बिल्कुल। सो गाइस देखो कैबिनेट कहाँ पे है। कैबिनेट है भाई इस रूफी के नीचे, जो कि भाई मेरा बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था कि रूफी के नीचे भी कैबिनेट हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल खुला हुआ था ना, तो इसीलिए भाई मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इसके नीचे भी कैबिनेट हो सकता है। तो चलो कोई नहीं, अभी तो जबकि हमें पता लग चुका है अभी से तोड़ते। और देखो अभी कैबिनेट भी हमें मिल गया है, तो देखते हैं वुडन स्टोरेज में क्या रखा है। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें भी भाई कुछ भी नहीं है। और जो कैबिनेट है, कैबिनेट भी भाई वर्किंग नहीं है। अभी मैं कैबिनेट के ऊपर दो बम चिपका दिया है, तो अभी कैबिनेट टूट जाएगा। कैबिनेट तो टूट चुका है, लूट भी अच्छा खासा मिल गया। बॉर्ड बेस था क्या? लूट तो देख के गाइस ऐसा लग रहा है कि ये बॉर्ड बेस ही था। तो जो भी है भाई अपने से कोई मतलब नहीं है, हम तो बस बेस तोड़ेंगे। तो बेस तो अभी हमने पूरा तोड़ दिया है, अभी अपना ये छोटू कार से हम फ्यूल वगैरह निकाल लेते हैं और इसको यहीं पे छोड़ देंगे और अपने बड़ी वाले आर्मर व्हीकल लेके अभी हम जाएंगे। सो गाइस अभी देखो मुझे इधर डेजर्ट एरिया पे एक बेस मिल चुका है, और ये बेस जिस बंदे का है ना, वो बंदा अपने बेस में एक बार रेड किया था, अपने मेन बेस में नहीं। आपको याद होगा कि हमने इस सर्वर की जब पहली रेड किया था एक बड़ी सी बेस में, उसके बाद हमें काफी सारा लूट वगैरह मिली थी, जो कि उनमें से हमने काफी सारा लूट वही पे एक छोटा सा बेस बना के रख दिया था। उसके बाद वो वाला छोटा सा बेस भी रेड हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा जाके उसको रेड करके सब कुछ डिस्पॉन कर दिया लूट वगैरह, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था। तो ये वही बंदे का बेस है गाइस, और इस बंदे का बेस पहले बड़ा सा बेस था, मेन बेस था। उसके बाद शायद किसी ने रेड कर दिया होगा, या फिर शायद हमने ही रेड कर दिया होगा, अपने जो चाइनीज दोस्त लोग हैं वो शायद रेड कर दिया होगा। तो अभी वो बंदा अभी देखो यहाँ पे एक छोटू सा एक बेस बनाए रखे, जो कि अपग्रेडेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट बस स्टोन का अपग्रेडेड है, बाकी पूरा वुड का है। तो अभी चलो सबसे पहले मैं इसका डोर तोड़ता हूँ मैचेट से। और गाइस अभी देखो यहाँ पे गलत ही सीन हो जाता है, इधर मैं डोर तोड़ रहा हूँ और तभी मुझे आता है अपनी कार का साउंड, और देखो क्या सीन होता है। वो बंदा भाई ऑनलाइन था, तो भाई मेरी कार लेके भग गया मेरे आंखों के सामने। मैं भाई पूरे कार के ऊपर गोली चला रहा हूँ, लेकिन भाई गोली चला के कोई फायदा नहीं, या आर्मर व्हीकल है उस बंदे को ज़रा सा भी डैमेज नहीं जाएगा, उल्टा भाई अपने गाड़ी भी फूट जाएगा। लेकिन भाई मैं चाहता था अपनी गाड़ी फूट जाए, फिर भी मुझे उसे मारना था। लेकिन यार वो बंदा तो मेरे हद से निकल गया। देखो इस बंदे के पास ज़रा से ज़रा SMG होगा, तो इसीलिए इसको पता है कि वो मेरे साथ फाइट लेके नहीं जीत सकता, इसलिए भाई उसने पूरा गाड़ी ही उड़ा दी मेरी। वैसे उसके बाद गाइस मुझे याद आया कि वो बंदा तो ज़रूर यहाँ पे आएगा उसके बेस के पास, तो मैंने क्या किया उसकी बेस के पास ही वेट किया। तो अभी आगे देखते जाओ क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इस डोर को तोड़ता हूँ, और इस डोर को तोड़ते ही देखो आ चुका है यहाँ पे एक स्टोन का डोर, जिसमें भाई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ है। और अभी देखो मैं इसका भाई कैबिनेट तक पहुँच चुका हूँ, और अंदर से पूरा खुला खुला है। तो मैं इसका कैबिनेट पर दो बम चिपका दिया हूँ, और देखो इसका फर्नेस वगैरह सब कुछ चल रहा है, और इसका अभी कैबिनेट भी टूट चुका है। तो कैबिनेट का लूट चेक कर लेते हैं क्या क्या मिला। कैबिनेट से हमें थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, तो अभी मैं अपना एक कैबिनेट क्राफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पूरे बेस को जल्दी से तोड़ देते हैं। इसकी फर्नेस में देखते हैं क्या क्या लूट है, तो फर्नेस से भी हमें थोड़ा बहुत सामान तो मिल जाता है। वैसे उतना कुछ चाहिए नहीं तो हम सारा का सारा सामान फेंक देंगे। तो अभी मेरा कैबिनेट तो क्राफ्ट हो चुका है, मैंने लगा दिया है, अभी तोड़ना स्टार्ट करते हैं इसकी बेस को। सबसे पहले इस बेसल को ही तोड़ देता हूँ, उसकी लूट वाली बेसल। तो अभी देखते हैं आप कौन कौन सी लूट पड़ा हुआ है। वैसे सारा का सारा फालतू सामान ही पड़ा हुआ है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिलहाल अभी लूट को इग्नोर करके हम पूरी बेस को तोड़ देते हैं। और अभी देखो जैसा कि मैंने बोला था वो बंदा ज़रूर आएगा, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो बंदा अभी आ चुका है बिल्कुल मेरी कार लेके। और भाई यहाँ पे भाई मेरा कुछ ग्लिच्चा हो गया था, मतलब अटक गया था कैरेक्टर, और भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और देखो आके भाई मैं पूरा कार में बैठ गया। अभी भाई चल जा, ले चलना है, चल मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद मेरे आइडिया आता है कि भाई क्यों ना बाहर निकल के इसकी मैं फ्यूल निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ भाई बंदा कहाँ जाएगा। अभी भाई जाके दिखा, मैंने गाड़ी की फ्यूल निकाल लिया है, और अभी अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरी गाड़ी ही डैमेज होगी, क्योंकि ये आर्मर व्हीकल है, अगर आप अंदर बैठे होगे तो ज़रा सा भी डैमेज नहीं जाएगा। तो अभी मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा इसकी बाहर निकलने का, देखते हैं ये कब तक बाहर निकलता है। अगर नहीं निकलेगा भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे आंखों के सामने तेरा बेस तोड़ रहा हूँ। मैंने सोचा भाई इसके आंखों के सामने चलो इसकी बेस तोड़ते, तब तो ये बंदा ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, देखो बंदा बाहर निकल गया,
और मैंने इसको भाई मार दिया। फिर देखो मैं इसको इमोट दिखाने लग जाता हूँ क्योंकि भाई ये बंदा काफी ज्यादा सत्ता है मेरी कार को लेके। भाई इतनी महंगी कार थी भाई, कितना ज्यादा डैमेज कर दी मैंने खुद ही। मैं तो भाई फोड़ने को बैठ गया था, अगर तब वो बंदा वहीं पे रहता ना उसकी या फिर कार फंस गई होती तो भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ अपनी कार को ही मैं फोड़ दिया होता। लेकिन उसके बाद मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया वगैरह आया कि उसको ऐसे ऐसे करते हैं, फिर भाई बच गया अपना कार। अभी चलो जल्दी से इसका बेस तोड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो इसका बेस तो अभी टूट चुका है, पूरा बेस गिर चुका है, अभी देख लेते हैं भाई क्या। अरे भाई यहाँ पे तो चारकोल वगैरह मिल गया यार, पहले तो मुझे नहीं मिला था, शायद ऊपर रखा होगा बंदे ने। तो मैंने सारा लूट उठा लिया, यहाँ पे कुछ लूट गिरा है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो गाइस सर्वर का तो लगभग हमने सारे बेस ही रेट कर दिया, अभी बस ये छोटा मोटा बेस बचा है जो कि अभी हम रेट कर रहे हैं, वो भी गाइस नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी छोटा मोटा बेस भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद इस सर्वर की बस एक और वीडियो आएगी तो उस वीडियो को भी गाइस जरूर देखना। फिलहाल आज की वीडियो पे इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। You're mine, mine.